आज भी पूरे बंगाल के गरीबों को आयुष्मान भारत योजना का फायदा नहीं मिला। मुझे बताओ भाइयों बहनों, 5 लाख रुपया बंगाल के हर गरीब को मिल सकता है, बंगाल के गरीब को मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? जोर से बोलिए, मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए? ममता दीदी मोदी जी की लोकप्रियता से डरकर आयुष्मान भारत योजना बंगाल में लागू नहीं कर रही है और किसान सम्मान निधि भी 5 साल के बाद भेजने का काम किया है। मित्रों, आज मैं उत्तर बंगाल में आया हूं, मैं आपको स्पष्टता कर जाता हूं, तृणमूल कांग्रेस सीएए के बारे में फाय फैला रही है कि सीएए जमीन पर लागू नहीं होगा। मैं आज कहकर जाता हूं, कोरोना की लहर समाप्त होते ही सीएए को हम जमीन पर उतारेंगे और हमारे भाइयों को नागरिकता देने का। ममता दीदी, आप तो यही चाहती हो कि घुसपैठ चलती रहे और बंगाल से जो शरणार्थी आ रहे हैं उनको नागरिकता न मिले, मगर कान खोलकर तृणमूल वाले सुन ले, सीएए वास्तविकता था, वास्तविकता है और वास्तविकता रहने वाला है, इसमें आप कुछ नहीं बदल सकते हो। माताओं भाइयों बहनों, ये नॉर्थ बंगाल हमारा पूरे उत्तर पूर्व से जोड़ने वाला प्रवेश द्वार, यहां पर बंगाली, गोरखा, राजवंशी, आदिवासी, कोच, मेचे, राभा, टोटो और हिंदी भाषी सब एक दूध में जैसे शक्कर मिल जाती है इस तरह से रहते हैं। टीएमसी इसमें भेद कराना चाहती है, मैं आपको बताता हूं इसमें कोई भेद नहीं। पर ममता दीदी, आपकी पार्टी उत्तर बंगाल की जनसांख्यिकी को बदलना चाहती है, यहां पर बहुलता बदलना चाहती है। हम बदलने नहीं देंगे, घुसपैठ को होने नहीं देंगे, आप समझ कर चलना। मित्रों, अब चाय बगान के मालिकों को जमीन देने के लिए उनके पास कानून है, परंतु गरीब मजदूरों को पर्जा पट्टा का अधिकार नहीं देना। वे जल जीवन मिशन सिर्फ 19% खर्च किया, उत्तर बंगाल में एक भी बड़ा उद्योग नहीं लाए। राजवंशी, आदिवासी और गोरखा भाइयों के लिए आपने बटालियन बनाने का वादा किया था ममता दीदी, क्या हुआ जरा हिसाब मेरे राजवंशी और गोरखा भाइयों को दीजिए। माताओं भाइयों बहनों, ये तृणमूल कांग्रेस की एक सोची समझी बोलकर घूम जाने की आदत रही, अब आप सब लोग इससे जानते हैं। मोदी जी ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को, मेरे साथ जोर से ताली बजाकर स्वागत करना, मोदी जी ने देश भर में 80 करोड़ लोगों को 2 साल से 5 किलो अनाज प्रति माह प्रति व्यक्ति फ्री ऑफ कॉस्ट। और ममता दीदी, मोदी जी के भेजे हुए थैलों पर अपना फोटो चिपका रही है, बंगाल वाले नहीं जानते हुए थे। मुझे बताओ बंगाल के भाइयों बहनों, टीका फ्री ऑफ कॉस्ट किसने दिया? जोर से बोलो, मोदी जी ने दिया या दीदी ने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? और जोर से बोलो, किसने दिया? हर गरीब को 5 किलो अनाज मुफ्त में किसने दिया? जोर से बोलो, किसने दिया? उत्तर बंगाल को 4 लेन एलिवेटेड कॉरिडोर देने का काम भी मोदी जी ने दिया है। कोरोनेशन ब्रिज 1100 करोड़ के खर्चे से बनने जा रहा है। हवाई अड्डा बागडोरा का 1300 करोड़ के खर्चे से उसका आधा
आधुनिकरण होगा। नेशनल हाईवे 10 को 800 करोड़ रुपए के खर्चे से नया बनाने का काम चल रहा है। गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक, ध्यान से सुनना, गोरखपुर से सिलीगुड़ी तक 30,000 करोड़ रुपया के खर्चे से 542 किलोमीटर का रोड बनने की शुरुआत हुई। सेवक रंगपुर रेल लाइन हमने शुरू किया है और इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट भी बनाया है। मित्रों, न्यू जलपाईगुड़ी रेलवे स्टेशन का विकास 350 करोड़ रुपया से भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है और पूरे बंगाल में लगभग 4,400 किलोमीटर रेलवे 55,000 करोड़ के खर्चे से मोदी जी ने बनाना शुरू किया है। पर्यटन एक्टिविटी के लिए पर्वतमाला योजना के तहत ये राजू यहाँ बैठा है, राजू जोर से ताली बजाना, दार्जिलिंग को इसमें कवर कर दार्जिलिंग के पर्यटन को बढ़ावा देने की बात करो। गोरखा भाइयों बहनों को भी, दीदी हमेशा बुला कर, मैं आज मेरे गोरखा भाइयों बहनों को कहने आया हूँ, अगर कोई एक पार्टी है जो गोरखाओं के हित में सोचती है तो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। हमने कहा है कि संविधान की मर्यादाओं के तहत सारी समस्याओं का स्थायी राजनीतिक समाधान ढूंढ लिया जाएगा। दीदी, जीटीए चुनाव से गोरखाओं की समस्याओं का समाधान नहीं होने वाला है, आप समझ कर रखिए। माताओं भाइयों बहनों, मैं आज समग्र इस बड़ी रैली के माध्यम से इसके बाहर भी हजारों हजारों लोग रोड पर खड़े हैं, इस बड़ी रैली के माध्यम से कहने आया हूं, ममता दीदी के कटमणि के खिलाफ, सिंडिकेट के खिलाफ, अत्याचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ, गुंडागर्दी के खिलाफ और राजनीतिक हत्याओं के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी की लड़ाई चालू है। भारतीय जनता पार्टी तब तक चैन से नहीं बैठ सकती जब तक टीएमसी के अत्याचारी शासन को हम उखाड़ कर फेंक नहीं देते। भाइयों बहनों, एक साल का मौका दिया था उनको, एक साल का, सुधर जाइए, मगर नहीं सुधरे, सातवें आसमान पर रहते हैं। मैं उनको कहने आया हूँ, अच्छे अच्छों का मिजाज जनता बदल देती है भाई, ये लोकतंत्र है। बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो आप? जोर से बोलो, बदल सकते हो या नहीं बदल सकते हो? भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर फिर से एक बार लोकतंत्र प्रस्तापित हो, इसके लिए सब कुछ करेगी, इसका वादा देकर मेरी बात को समाप्त करता हूँ।